हेलो, वेलकम टू फ्लावर डे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम आलू कैसे उगाएंगे। तो हमने जो आलू लिए हैं वो ये आलू हैं। तो देखो, आलू खुद ही ग्रो होने लग गए हैं। ये पुराने वाले आलू होते हैं और इन दिनों में इस तरह से ग्रो होने लग जाते हैं। तो ये छोटे साइज़ के आलू हैं, तो इसको तो हम एक एक करके उगा देंगे। लेकिन ये जो बड़े साइज़ के आलू हैं, इनको हम दो करके उगा सकते हैं। देखो कितने अच्छे से स्प्राउट हो गए आलू। अब ये आलू खाने योग्य तो रहे नहीं, तो मार्केट में इन दिनों पुराने आलू जो आ रहे हैं उनको आप लोग उगा सकते हो। वो इस तरह से उनमें आंखें बनी रहती है, तो उनको उगा देंगे तो इजीली आलू ग्रो हो जाएंगे। आलू को पानी कम चाहिए होता है और इसके अंदर फंगीसाइड भी हम डाल सकते हैं। तो ये आलू के अंदर चींटियाँ हो जाती है बहुत ज़्यादा, या फिर मिट्टी में चींटी हो जाती है, उसके लिए मैं ये हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। तो मैं थोड़ी सी हल्दी लेके और इस तरह से भुरक दूँगी। इससे क्या है, चींटियाँ नहीं होंगी और फंगस भी नहीं लगेगी। अब ये जब हम पानी डालेंगे इसके अंदर, तो ये सब नीचे की तरफ चली जाएगी। अब ये आलू उगाना है हमको, तो हम आलू को इस तरह से, अब ये इधर से फूट रहा है तो इसको हम इस तरह से यूँ रख देंगे। बस कोई ज़्यादा वो परेशानी नहीं आलू उगाने में। तो मैं 3 से 4 आलू उगाऊंगी एक बाल्टी के अंदर। देखते हैं हमको कितने आलू मिलते हैं। तो ये इस तरह से अगर ढक भी दोगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद ही ग्रो कर जाएंगे। तो ये मैं 4 आलू मीडियम साइज़ के इसके अंदर उगा दूंगी। अब इसके अंदर, आलू के अंदर पानी कम लगता है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इसकी मिट्टी सूखी हो जाए जब हम इसमें पानी डालेंगे। और आलू की मिट्टी मैंने इसके अंदर कम रखी हैगी, क्योंकि फिर आलू के अंदर मिट्टी चढ़ानी पड़ती है थोड़े टाइम बाद में, तब आलू अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो ये हमने आज आलू उगा दिए हैं। तो देखिए आलू उगाना कितना आसान है। अब इसी तरह से मैं और किसी उसमें आलू ग्रो करूँगी। तो ये हम उगा रहे हैं आलू। तो अब हम दूसरी भी बाल्टी ले लेते हैं। इस तरह का बड़ा मैंने वो बाल्टी ली है, ये जो है प्लास्टिक की बाल्टी, ये मैंने ली है। ये कम से कम 20 लीटर की बाल्टी है और ये मैंने ली है। तो इसके अंदर आलू अच्छे निकलते हैं। मिट्टी भी मैंने देखो कितनी सॉफ्ट बनाई है, एकदम सॉफ्ट मिट्टी है। इसके अंदर मैंने खाद वगैरह सब डाल रखा है, तो इसलिए ये मिट्टी बहुत ही अच्छी है आलू के लिए। हमेशा सॉफ्ट मिट्टी और खाद वाली मिट्टी बनानी चाहिए आलू में। इस तरह से मैंने आलू ग्रो कर दिए। ये आलू को मैंने आधा काट के ग्रो करा है, बड़े था इसलिए। आप भी लगाइए आलू इस सीजन में।